Bismillah Rahman Rahim. Aaj aapke saath main bahut hi behtareen, tasty aur har kisi ki pasand ki recipe jo hai wo share karne ja raha hu. Isko aap chicken garlic butter ya chicken butter garlic ya koi bhi naam de sakte hain. To ye bahut hi aasan, bahut behtareen aur bahut ala dish hai. To iske liye mere paas तकरीबन 1 किलोग्राम बोनलेस चिकन मैंने ले लिया है और तकरीबन 70 से 100 ग्राम मेरे पास बटर है और एक जो है बंच पूरा जो है वो लहसुन का, उसको चॉप कर लिया है. 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून साल्ट, 1/2 टीस्पून जो है वो जिंजर का पाउडर है और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून मेरे पास ज़ीरे का पाउडर है. तो इसको शुरू करते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ टू मेक वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिलीशियस रेसिपी नोन एज चिकन बटर गार्लिक और गार्लिक चिकन बटर. तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, आई हैव 1 किलोग्राम ऑफ बोनलेस चिकन क्यूब्स, 1 बंच ऑफ garlic chopped very finely, 70 grams of butter, 1 teaspoon red chili powder, 1/2 teaspoon salt, 1/2 teaspoon ginger powder, 1/2 teaspoon black pepper and 1/2 teaspoon cumin powder. Let's start. तो अब हम इसको शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं ये तमाम स्पाइसेस जो हैं इसके साथ चिकन को मैरिनेट कर रहा हूं. ये चिकन को मैरिनेट करेंगे. सबसे पहले इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे. ये सारे स्पाइसेस जो हैं ये मिक्स कर देंगे ताकि चिकन में ये बहुत ही अच्छी तरह जज़्ब हो जाए. बहुत बेहतरीन, बहुत आला, बहुत आसान और हर दिल अजीज डिश है. आप ज़रूर से एक दफ़ा बनाइए और देखिए कि कोई भी छोटा बड़ा बच्चे सब के सब जो है इसको बहुत ही पसंद करेंगे. नहीं, इसको मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके छोड़ दूंगा और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रोसीजर जो है इसका वो करेंगे. तो मिलते हैं आफ्टर 10 मिनट्स. ले जी, इसे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं मैरिनेट हुए हैं. बड़ी अच्छी तरह ये मैरिनेट हो गया और सारे स्पाइसेस जो है इसके साथ चिपक गए हैं. और अब मैं इसे जो है ये फ्लेम ऑन करूँगा. फ्री पैन मैंने रख लिया और इसमें अब मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऐड कर दिया. आई ऐड सम ऑयल इन इट and now we do the next procedure. Please subscribe my channel, like my video, share my videos with friends, family members and people around you. If you have any question in your mind, please write in the comment box. अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ उसे आप कमेंट बॉक्स में तहरीर करें. तो अब इसको मैं फ्राई करने के लिए फ्राई करूँगा इसको मैं. इसे मैं इसमें फ्राई करूंगा. बहुत बेहतरीन आज की रेसिपी है जी, चिकन गार्लिक बटर और बटर गार्लिक चिकन, कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों तरह से ही है. इसकी प्रोनाउंसिएशन में अपनी अपनी हर कोई जैसे चाहे आप इसकी प्रोनाउंस कर लें या उसको कर लें. वाह, इसमें से फ्राई चिकन के फ्राई होने का और स्पाइसेस के फ्राई होने का अरोमा जो है वो अभी तक पहुंच हो गया. इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई है, इसको मैं थोड़ा सा डाउन करने जा रहा हूँ. तो मैं मीडियम फ्लेम पे ही
कुक करना है। इसको बहुत अच्छी तरह हमने फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह हो जाए, फ्राई हो जाए। तो आपने ये ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें और फिर मुझे आप बताएं कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी और आपको कैसा ये लगा मेरा आज का ये बटर चिकन गार्लिक। आई एम फ्राइंग इट एंड फ्राइंग इट वेल। तो बहुत अच्छी तरह, चूँकि इसको कोई कुक तो होना नहीं है ज़्यादा, इसको हमने जितना भी कुक करना है इस फ्राइंग में ही हमने इसे कुक करना है। Please subscribe my channel, like my videos, share my videos with friends, family members and people around you. If you have any question in your mind, please write in the comment box. अगर आपके दिल में कुछ सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में तहरीर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, रिश्तेदारों और दर्जन वाले लोगों के साथ, ताकि वो भी बेहतरीन रेसिपी से लुत्फ़अंदोज हो सकें। तो आज की रेसिपी है चिकन बटर गार्लिक और चिकन गार्लिक बटर। तो सबसे पहले मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैंने मैरिनेट कर दिया स्पाइसेस में और अब मैंने फ्राई कर रहा हूँ। इसको बहुत ही अच्छी तरह फ्राई करना हमने ताकि बिल्कुल कुक हो जाए। इसको मैं हल्की सी आँच पे फ्राई कर रहा हूँ। ले जी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टीम पे लगाऊंगा ताकि इसमें कोई जो है वो इसके टेंडर में कोई कसर बाकी ना रहे। तो ये मैंने इसको लिड लगा दी है और इसको मैं 3 मिनट तक जो है वो इस पर कुक होने दूंगा लो हीट पे। ले जी, ये इसको स्टीम में पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। वाओ, वेरी नाइस अरोमा इज कमिंग आउट ऑफ इट। इसमें जो बहुत ही बेहतरीन अरोमा उठना शुरू हुआ, वाओ देखिए बेहतरीन जो है चिकन फ्राई हो गया, टेंडर हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट जो है वो करने वाले हैं। अब मैं ये 70 ग्राम मैंने बटर ले लिया, ये बटर को थोड़ा सा पिघलाएंगे इसमें। वाओ, ये है इसकी जनाब की, तो बटर को हम पिघलाएंगे और इसके साथ ही मैं ये गार्लिक जो है चॉप्ड वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन डिश है, आप ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें और मुझे बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। बहुत आला डिश है, स्पाइसी है, लाइट सी, और सिर्फ आप इसको 15 मिनट में आप इसको रेडी कर सकते हैं, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर द टोटल कुकिंग। वाओ, वेरी नाइस अरोमा इज कमिंग आउट ऑफ इट। इसमें से बहुत ही अच्छा अरोमा उठना शुरू हो गया और बटर का तो आपको पता है जनाब कि बटर तो कमाल की चीज़ है जी। ये अब मैं सारे को वो मिक्स करूँ। बस इसको बटर और गार्लिक शामिल करने के बाद हमने 2 मिनट से ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, अगर करेंगे तो फिर बटर जो है वो उसका अरोमा जो है वो हट जाएगा, निकल जाएगा इसका अरोमा, वो फिर हमें इसका असल जो है टेस्ट वो नहीं आएगा। वाओ, आई होप यू मस्ट लाइक एंड यू ट्राई इट एंड एंजॉय इट। इट इज़ अ वेरी नाइस रेसिपी, वेरी क्विक एंड वेरी टेस्टी टू। आप चाहें तो आप इसको, मैंने तो बोनलेस चिकन लिया है, आप विद बोन भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप अगर बोन के साथ पसंद करते हैं बोन के साथ ट्राई कर लें,
और अगर आप इसको बोनलेस पसंद करते हैं तो बोनलेस भी आप ट्राई कर लेने जी। ये डिश इज रेडी एंड आई एड अ लिटिल कोरिएंडर लीव्स, इसमें मैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स के साथ इसको बिल्कुल ग्रीन कलर जो है आपको पता है कि बहुत ही नाइस लगता है किसी भी फूड में, तो मैंने बिल्कुल थोड़े से ग्रीन जो है वो कोरिएंडर लीव्स इसमें शामिल कर दिए। नाउ आई पुट ऑफ द फ्लेम, तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस विद फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड पीपल अराउंड यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।